हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने यहाँ पे बनाया है मज़ेदार सा मटन में गोभी गोश्त, और ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। इसके अंदर टमाटर, दही, ये वो कुछ नहीं जाता, इसके अंदर ज़्यादा सारा लहसुन अदरक का पेस्ट जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड, गोभी गोश्त बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 kg मटन। ये हड्डी के बगैर है, ये गोल गोश्त है। और इसके अंदर लिया हमने 400 ग्राम प्याज, इसमें टमाटर और दही नहीं जाएगा। 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक। तो अब बनाना शुरू करते हैं। इसको हम गोश्त को पहले कुकर में गलाएंगे, बजाय इसके कि हम इसमें पानी शामिल करें और इसको 20-25 मिनट के लिए रखें। तो हम इसको बगैर पानी के कुकर के अंदर 10 मिनट या 8-10 मिनट के लिए टाइम देंगे और इसको अच्छा सा गला लेंगे। और यहाँ पे हमने ली है 1.5 kg गोभी और इसको इस तरह हमने कट कर लिया है। यहाँ पे जाएगा इसके अंदर प्याज सारा, ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। इसके अंदर जाएगा ये मटन 1 kg और इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट जाएंगे। इसको हम कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये सारी चीज़ें अपना पानी छोड़ दें और फिर हम इस कुकर का ढकना बंद करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए टाइम देंगे। और यहाँ पे हमने पानी बॉईल होने के लिए रखा है। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर शामिल करेंगे और इसके अंदर उबलते हुए पानी में 1 जोश गोभी को देंगे ताकि इसके अंदर से इसकी जो अजीब सी स्मेल होती है वो गोभी की निकल जाए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई कीड़ा शीड़ा है, तो वो भी बाहर आ जाए। वैसे उसको धो लिया है हमने अच्छा सा, लेकिन इसको उबलते हुए पानी में 1 जोश देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कवर करके छोड़ते हैं। जब तक ये पानी छोड़ देता है ये सारा गोश्त, तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसको क्या करना है। देखिए फ्रेंड, पानी यहाँ पे बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून और इस उबलते हुए पानी में हम गोभी को 1 जोश दे के निकाल लेंगे और छलनी में रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया था, तो ये सारी चीज़ों ने अपना ही पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी में हम इसको गला लेंगे। कुकर का ढकना करेंगे यहाँ पे बंद और ये वेट भूनने के बाद इसको 10 मिनट के लिए टाइम देंगे और फिर इसको घी डाल के अच्छा सा भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे इसके स्टीम हमने निकाल दी हुई है। अब इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा गल गया है। अब अभी भी इसके अंदर देखिए कितना पानी है। हमने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी शामिल तो किया ही नहीं था। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ये 1/2 कप ऑयल और इसको अच्छा सा भून लेंगे। यहाँ पे यहीं पे भून लेंगे इसको। ये जो गोभी है फ्रेंड, इसको हमने उबलते हुए पानी में 2 टेबल स्पून सिरका डाल के, वाइट विनेगर डाल के, तो इसको हमने 1 जोश दे के तो यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। जब ये गोश्त हमारा अच्छा सा भून जाएगा, घी छोड़ देगा, तो तब हम इसके अंदर ये गोभी शामिल करके इसको भूनेंगे और सब्ज धनिया शामिल करेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये मटन में हमने अच्छा सा घी डाल के इसको भून लिया था, तो इसको अब हमने इसमें कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये गोभी। गोभी को शामिल करके अच्छा सा भून के इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे ये सब्ज धनिया जो हमने यहाँ पे धो के रखा हुआ है। ये देखिए, क्योंकि कुकर में तो ये गोभी फिर जो है ना, ये बिल्कुल ही वो मलिदा बन जाती, तो इसलिए इसको कढ़ाई में जो था वो शिफ्ट करना ज़रूरी था खुले बर्तन में, ताकि ये अच्छी सी भून जाए और पक जाए। ठीक है, अब इसको अच्छा सा भून के तो फिर आपको दिखाते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, आप भी ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ये गोभी जो है आजकल, क्योंकि ये मौसम की नहीं है तो पहले ही आ जाती है गोभी, तो इसलिए इसमें एक अजीब सी स्मेल होती है, जिसकी वजह से इसको उबलते हुए पानी में सिरका डाल के अगर आप 1 जोश दे के निकाल लें तो इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ये इसका कलर भी इतना अच्छा सा वाइट हो जाएगा। ये देखें जैसे इसका हो गया हुआ है।
ये इसी वजह से है कि इसको हमने सिरके वाले पानी में उबाला था। एक 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 बस उबाल आने के बाद आपने उतार देना है। इसको आपने ज़्यादा नहीं उबालना, जब एक दफ़ा जोश आ जाए तो फिर आप इसको बंद कर दें चूल्हा। देखिए फ्रेंड, ये हमारा अच्छा सा यहाँ पे ये गोभी गोश्त भून गया है, भून के रेडी हो गया है ये देखें। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये सब्ज़ धनिया जो हमने धो के रखा हुआ था, इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे। बाकी हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसमें शामिल करके इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये मज़ेदार सा हमारा गोभी गोश्त बन के रेडी है। ये हमने मटन में बनाया है, आप बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको खमीरी रोटी के साथ खाएं या तंदूरी रोटी और पराठे के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगता है। तो फ्रेंड, आपको मेरी आज की ये रेसिपी अगर पसंद आई तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।